ने बीते दिनों एक प्रार्थी के साथ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने नकली 4 लाख की असली नोट के बदले 12 लाख जाली नोट का झांसा देने के प्रकरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 आरोपी होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। खुलासे में SP अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को छोटी सरवन निवासी सुरेंद्र कलाल ने ताजेंग पटेल वी उनके साथियों द्वारा असली नोट के बदले 3 गुना नकली नोट का धंधा करने की सूचना दी। इसकी सूचना पर प्रार्थी ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की टीम डिकॉय के लिए पहुंची। सूचना एकत्रित कर वारदात में शामिल डुंगरा निवासी राकेश पटेल समेत डूंगरपुर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 होमगार्ड के जवान डूंगरपुर के शामिल हैं। पुलिस ने घटना के दौरान उपयोग में ली गई इको वैन भी जब्त कर दी। ये हमारे पास जो है लगभग 10-15 दिन पहले एक सूचना आई थी कि बांसवाड़ा में कोई आदमी नकली नोट देने के नाम पर ठगी कर रहा है, जिसमें इसके बाद टीम गठित की गई और जो है टीम में CO साहब सूर्यवीर, CO साहब कुशलगढ़ रूप सिंह जी को टीम गठित करके उसका पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए दिया गया। तो उसमें प्रार्थी एक सुरेंद्र कलाल, उसने बताया कि उसको जो है कुछ लोगों ने, जो आरोपी है उन्होंने उसको कांटेक्ट किया है कि उसको बदले में जो है नोट देंगे, नकली नोट देंगे जो कि असली के जैसे ही दिखते हैं, हूबहू दिखते हैं, और वो 3 गुना करके देंगे।